बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस जगह जगह अवेयरनेस कैंप लगा रही है। आज चंडीगढ़ के लंटे मॉल में अवेयरनेस का कैंप लगाया गया कि ताकि लोग जो हैं साइबर को लेकर अवेयर हो सके। इस वक्त हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार जी मौजूद है। सर, आज कैंप लगाया गया मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए, मोटिव क्या है सर इसका? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मोटिव जो है साइबर स्वच्छता मिशन जो हमने 17/11/2021 में शुरू किया था, आज उनको एक साल हो चुका है और थ्रू आउट द ईयर हमने जो अवेयरनेस करी है साइबर क्राइम के बारे में, पब्लिक को अवेयर किया है, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया गया था। और इसके अंदर जो है हमने अक्टूबर जो मंथ होता है बाय ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अक्टूबर का मंथ जो होता है वो थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है अवेयरनेस का, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया था और इस उपलक्ष्य में जो है आज ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया था। सर, आपके पास आज देखा गया अवेयरनेस कैंप के दौरान लोग समस्या लेके काफ़ी ज़्यादा आए थे कि मेरे साथ सर ये हो गया, मेरे साथ बिजली के बिल का कुछ हो गया, उनके बारे में सर बताएं कि क्या किस तरह की वो समस्या थी, क्या वो एक्चुअल में आया क्या फ्रॉड है सर? समस्याएं देखें, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ में है कि पब्लिक जो है इसकी यूज़ टू हो गई है, तो किसी ना किसी के साथ भी सोशल मीडिया पर या फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और एज़ पर माई एक्सपीरियंस, हमने जो एक्सपीरियंस देखे हम इस अवेयरनेस कैंप में, पिछले 3 साल से मैं खुद ही अवेयरनेस में शामिल हूँ, मैक्सिमम टाइम अवेयरनेस में लगाता हूँ, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी कि भाई हम जितना अवेयरनेस करते जा रहे हैं उसमें जो है रिपोर्टिंग हमारी बढ़ गई। दैट इज़ अ गुड थिंग, लोगों को पता लग गया कि भाई हमने फलाने जगह रिपोर्ट करनी है। एक दूसरा पॉइंट हमने देखा कि भाई लोग जो है इस चीज़ से अवेयर नहीं हो रहे, भाई हमने बचना कैसे है, एक क्वेश्चन हमने देखी इसके अंदर। सर, एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि जैसे कि आप रोज़ मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरह की कंप्लेंट्स जो है आपके पास आती है, किस तरह की जो लोग समस्या लेके आते हैं, चंडीगढ़ वासी कहीं ना कहीं अवेयर हैं साइबर को लेकर? काफ़ी फ़र्क पड़ा है वैसे। प्रेजेंटली जो क्राइम ट्रेंड है मेन सबसे ज़्यादा वो ये है कि भाई एक सिंपल SMS आता है हर तकरीबन हर 2 सीनियर सिटीजन्स को छोड़ के तीसरे पे लगाओ आप कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा टुडे एट 9:30 PM। तो उसमें वो पढ़ने के बाद जो हर सिटीज़न है वो पैनिक हो जाता है कि भाई रात का टाइम है और रात को 9:30 बजे हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया बिजली का, तो हमारे को प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो वो जो है उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करता है, उसमें एक नंबर दिया होता है, उस नंबर पर भी कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जो लिंक वगैरह जो भेजते हैं फ्रॉडस्टर्स उस पर वो लिंक करते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। लोग हैं कहाँ के हैं सर ये लोग जो मतलब करते हैं, मतलब कैसे उनको नंबर मिलता है, कैसे मतलब कहाँ से ये सर्कल पूरा घूम रहा है सर? सर्कल देखो मेन इज़ जामताड़ा जो है, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो है मेवात एरिया जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ये। और वहाँ पे जब हमारी टीम्स जो जाती हैं रेड के लिए, केसेस के अंदर रेड मारते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टेट पुलिस, तो आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पूरे के पूरे गांव, मतलब आप लगा लोगे कि अगर एक ज़िले में वहाँ पर 10 गांव हैं तो 7 गांव जो है इसी यही काम करते मिलेंगे आपको, और उनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है, वो इस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं और पढ़े लिखे इतने हैं नहीं वो, तो ये जो एरिया है ये ज़्यादा इसमें एक्टिव है। इस तरह से सर लोग बच सकते हैं इस क्राइम से सर, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जागरूक कर दीजिए। देखिए, इससे बचने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जो है अपने मोबाइल पर कोई भी कॉल आई है उसको अटेम्प्ट करें, इट इज़ अप टू यू, मिनिमाइज द रिसीविंग कॉल्स, इम्पॉर्टेंट उसी को दो इम्पॉर्टेंस उसी को तो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर, आजकल एक और भी चीज़ देखिए कि कैनेडियन अमेरिकन की कॉल आती है अलग अलग नंबरों से, सर उसका उस कॉल का क्या मतलब है सर, उसके बारे में थोड़ा समझाएं। देखिए, ये एक नया इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ एक ये कैनेडा वाला भी चल रहा है जो कि जिसके नॉन्स ऑस्ट्रेलिया कैनेडा फॉरेन कंट्री में बैठे हैं उनको कॉलें आती हैं कि भाई आपका जो लड़का है वो किसी लड़ाई में वहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है और वहाँ पर जो एडवोकेट है उसको हमने पैसे अरेंज करने हैं ताकि वो उस चीज़ से बचे, पुलिस को भी पैसे देने हैं, इस तरह की वो बातें बोलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। और जिसका बच्चा बाहर गया वो एकदम उसको क्रॉस चेक करने की बजाय, बहुत रेयर केसेस में लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं फ़ोन करके अपने बेटे को या रिलेटिव को, नहीं तो मोस्टली केसेस में जो है
वो एकदम टेंस हो जाते हैं और इमीडिएटली जो अकाउंट नंबर देते हैं उसमें पैसा जमा करा देते हैं। आखिर में सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से कि किस बचें? देखो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि भाई आप जो है कोई भी लिंक अननोन लिंक है अननोन कॉल्स हैं उसको बड़े ध्यान से एंटरटेन करें। आपको कोई भी डाउट है आप उस पर बिल्कुल भी उस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर ना करें। अगर फ्रॉड हो जाए तो सर? अगर फ्रॉड हो जाए तो उसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नंबर चलाया है 1930-1930 आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये नंबर याद नहीं तो आप 112 पे जाके कॉल करके हेल्प ले सकते हो। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार जिन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर फ्रॉड हो जाए तो 1039 पर कॉल करके इमीडिएट करें। जी सच्चा साहब, जिस तरीके से आज साइबर क्राइम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा लोगों को एलएनटी मॉल के बाहर जिस तरीके से जागरूक किया है, सभी मिलाजी भी यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी ये आज हमारा साइबर स्वच्छता मिशन के तहत जो हमारा मुहिम थी आज एक साल कंप्लीट हुआ है और इस साल के कंप्लीशन के दौरान हमने जो भी पिछली बार जो कंप्लेंट्स वगैरह आई और जो मौजूदा कंप्लेंट्स चल रही हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड और जो भी इनके टिप्स जो दिए हैं इसके बारे में हमने चर्चा की है लोगों के साथ और लोगों को अवेयर किया है। इसमें हमारे अभी जो इंटर्न्स हैं जो वॉलंटियर हैं जिनको हम साइबर सोल्जर बोलते हैं उनको भी हम साथ लेके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उन्होंने भी काफ़ी भाग लिया है। सर ये 9 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी यहाँ जुड़ी हुई हैं जिसमें SD कॉलेज 32 है, CU है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, DAV कॉलेज हैं, SG कॉलेज हैं सेक्टर 26 से और इसके कोएड कॉलेज हैं। तो उन सभी कॉलेज के टोटल 9 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी नहीं अवेयर हुए हैं और साथ ही साथ ये एक साइबर क्राइम भी थोड़ा बड़ा है और अवेयरनेस के चलते कई कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं भाई वो अभी उनके साथ क्राइम हुआ नहीं होता तो ट्राई कर रहा था तो साथ ही साथ वो अवेयर होते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें देते हैं। जी सर एक लोन को लेकर जिस तरीके से 4-5 हज़ार का लोन दिया जाता है ऑनलाइन माध्यम से और जो इसके काफ़ी केसेस लगातार आ रहे हैं और सिक्योरिटी के भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं जी अभी लोन ऐप के जरिए काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी पिछले उसमें तो हमने उस पर लोन ऐप्स पे काफ़ी काम किया और वो चाइनीज़ लोन ऐप थी और जो फेक लोन ऐप गूगल पे पे मिल रही थी बट उसके बाद हमने जो इस पर काम किया तो 33 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें एक चाइनी भी इन्वॉल्व था और लोगों का कम से कम 17-18 लाख रुपए हमने वहाँ से जमा भी बरामद भी किया। जो साइबर क्राइम जिस तरीके से चाइना से ऑपरेट हो रहा था जिस तरीके से पीछे गिरफ्तारी, हाँ अभी एक चाइनीज़ गिरफ्तार किया है, चाइनाज़ का अभी लिंक लगता है जुड़ रहा है क्योंकि वो चाइनीज़ है और पैसा भी हमारा काफ़ी हवाला के जरिए बाहर गया है तो वो अभी इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। अभी तक हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का फेक मैसेज आता है भी आपका बिल ड्यू है और 9:30 बजे या कभी टाइम दे के आपका बिल कनेक्शन अपना कनेक्शन बिजली का काट दिया जाएगा तो इस तरह की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। दूसरा एक जॉब फ्रॉड जॉब को देने के लिए सिक्योरिटी वगैरह जमा करवा लेते हैं वो आ रही हैं। तीसरा कनाडा कॉलिंग या फॉरेनर बन के और तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है कोई वकील बन के कोई डॉक्टर बन के या इस तरीके के कॉल करके इमोशनल लेवल पे लोगों को लाकर और पैसे को ठगा जा रहा है। सर एक हाल ही में केसेस आने सामने आ रहे हैं जिस तरीके से किसी पर्सन के पे पेमेंट आ जाती है गूगल पे उसके बाद उसको कॉल आती है कि मेरे को तुम्हारे पे गलती से पेमेंट चल गई है मुझे वापस कर दो और जैसे ही वो पेमेंट करता है तो उसका अकाउंट हैक कर लिया जाता है और उसकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी निकाल ली जाती है। जी इस तरीके की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं वो सबसे पहले वो पेमेंट उसमें डालता है अकाउंट में उसके बाद फिर अकाउंट डालने वापस लाने के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेता है और आपके अकाउंट से ही काफ़ी पैसा चला जाता है। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उसको बोलो पर्सनली आके हमारा यहाँ से पैसे ले जाओ हम वापस अकाउंट में नहीं डालेंगे। मैसेज यह है जितना जागरूक रहेंगे जितना ही हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो हम बेटर रहेंगे, अदरवाइज़ हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और भी कई तरीके के नुकसान।
झेल सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमारी, जिन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर कैनेडियन कॉल अगर आपको आए तो उसको बिल्कुल भी ध्यान ना दें और जागरूक रहें इस चीज़ को लेकर के। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए 1039 1930 पर कॉल करके इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। चंडीगढ़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट।